कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का तूफानी प्रचार। कर्नाटक में दो जनसभा करेंगे राहुल गांधी, कर्नाटक के रायचूर और शिवमोग्गा में करेंगे जनसभा। तो वहीं एमपी और छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गजों का भी तूफानी प्रचार लगातार जारी है। कर्नाटक को आज साधेंगे राहुल गांधी दो जनसभाओं के जरिए। वहीं कर्नाटक के रायचूर और शिवमोग्गा में जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो इन दोनों ही जिलों को साधने की कोशिश प्रियंका गांधी की तरफ से की जाएगी। और वहीं मिशन दक्षिण पर राहुल गांधी नजर आएंगे दो जनसभाएं करते हुए। तो तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, क्योंकि पांच चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। अब देखिए शिवमोग्गा सीट में महामुकाबला किसके किसके बीच है, ये भी हम आपको बता दें। त्रिकोणी ये महामुकाबला जहां पर गीता शिव राजकुमार कांग्रेस प्रत्याशी हैं, बीवाई राघवेंद्र बीजेपी प्रत्याशी हैं और केएस ईश्वरप्पा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला शिवमोग्गा सीट पर देखने को मिलेगा, जहां पर कांग्रेस बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच ये मुकाबला शिवमोग्गा को साधने की कोशिश आज राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी। अब शिवमोग्गा सीट का सियासी समीकरण भी आपको बता दें, बीएस येदियुरप्पा बीजेपी के बड़े नेता इस सीट से जीते थे, तो वहीं मंजुनाथ भंडारे कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए थे 2014 का ये समीकरण। अब 2019 का शिवमोग्गा सीट का समीकरण भी आपको बता देते हैं, बीवाई राघवेंद्र बीजेपी प्रत्याशी इस सीट से जीते थे और एस मधु बंगारप्पा को हार का सामना करना पड़ा। तो शिवमोग्गा सीट का सियासी समीकरण हमने आपको बताया। अब रायचूर सीट का महामुकाबला किसके किसके बीच है, ये भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। जी कुमार नायक कांग्रेस के प्रत्याशी और राजा अमरेश्वर नायक बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में रायचूर सीट से। रायचूर सीट का सियासी समीकरण 2014 का, जहां पर बीवी नायक कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे और शिवा नगौड़ा नायक बीजेपी के प्रत्याशी हार गए थे। 2014 का ये समीकरण हमने आपको बताया, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी। अब आपको 2019 का समीकरण भी बता देते हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी जीते थे, राजा अमरेश नायक ने इस सीट से जीत दर्ज की थी और बीवी नायक इस सीट से हार गए थे। तो अब देखिए छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट का महामुकाबला, ज्योत्सना महंत कांग्रेस की प्रत्याशी और सरोज पांडे बीजेपी की प्रत्याशी चुनावी मैदान में। दिलचस्प ये महामुकाबला कोरबा सीट पर। सियासी समीकरण 2014 का, जहां पर बंशीलाल महतो जीते थे और चरणदास महंत को हार का सामना करना पड़ा था। यहां पर कोरबा सीट का सियासी समीकरण 2019 का आपको बता दें, ज्योत्सना चरणदास कांग्रेस की तरफ से जीती थी और ज्योतिनंद दुबे बीजेपी प्रत्याशी इस सीट से हार गई थी। तो कोरबा सीट का ये समीकरण हमने बताया। आप देखिए मुरैना सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। सत्यपाल सिंह सिकरवार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, शिवमंगल सिंह तोमर बीजेपी प्रत्याशी, रमेश चंद्र गर्ग बीएसपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में मुरैना सीट से। मध्य प्रदेश की मुरैना सीट, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला। अब देखिए 2014 का समीकरण भी हम आपको मुरैना सीट का बता देते हैं। अनूप मिश्रा इस सीट से जीते थे, वृंदावन सिंह सिकरवार को मुरैना सीट से हार का सामना करना पड़ा। 2014 का समीकरण हमने आपको बताया। 2019 का समीकरण देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी प्रत्याशी जीते थे, रामनिवास रावत कांग्रेस प्रत्याशी हार गए थे, करतार सिंह भडाना बीएसपी प्रत्याशी इस सीट से हार गए थे।